हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले SSC ने Tier 3 का रिज़ल्ट निकाला था। उसके बाद अराउंड आपके 9 से 10 जुलाई के बीच में आपके मार्क्स आए थे, Tier 2 और Tier 3 के कम्बाइंड मार्क्स आए थे। और उसके बाद जो SSC CGL 2019 में आपका एक CPT का प्रोसेस बचा था और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बचा था। तो CPT की जो डेट्स थी आपके पास वो थी 15 और 16 सितंबर। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी भी डेट्स आ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरे सितंबर में चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या ऑल डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सारी जो भी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मेरा एडमिट कार्ड ही शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें ऊपर लिखा हुआ है कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें लिखा गया है, डियर कैंडिडेट, अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप खुद को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए प्रेजेंट करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका नेम, फादर्स नेम और यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ होता है, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा गया होता है, यहाँ पे टिकट नंबर, जन्मतिथि और यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी हुई होती है, यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हैं और यहाँ पे होता है सिग्नेचर, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है उसमें लिखा होता है आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें यहाँ पे मेरा जो है MP रीजन होता है, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो होता है रायपुर में। मेरी जो डेट है वो है 10 सितंबर, बैच है A, रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे का। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, ये एक एग्ज़ामिनेशन तो होता नहीं है आपका। तो अगर बाय चांस आप किसी भी कारणवश लेट हो जाते हैं, मानिए कि आपकी ट्रेन ही है वो 5-6 घंटे लेट हो गई और 9:30 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप कोशिश करिए जो आपका रीजनल हेड ऑफिस है वहाँ पे आप कॉल करें, आप उनको बताएं कि ये कारण है, उस कारणवश आप थोड़ा लेट हो सकते हैं। और अगर आपका जो भी कारण होगा वो जेन्युइन होगा तो वो लोग आपका जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कंसिडर करते हैं और वो थोड़ा बहुत आपको जो भी कंसिडरेशन होगा वो दे देंगे। तो अगर आप लेट हो रहे हैं बाय चांस, वैसे तो कोशिश आपको ये करना है कि आप टाइम पर ही पहुँचें और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, लेकिन अगर बाय चांस आप लेट हो जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप जो आपका हेड ऑफिस होगा वहाँ पे पहले से बता दें, तो बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी हुई है कि जो जब आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं, खैर अब तो वो नहीं होता है, पहले होता था कि पहले आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते थे, लेकिन इस बार आपको पोस्ट प्रेफरेंस वहीं पर देना होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी 10th की मार्कशीट, उसके साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसके साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट, उसी के साथ जो भी आपके ग्रेजुएशन है उसमें अगर आपके 6 सेम हैं तो पूरे 6 सेम की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर 8 सेम हैं तो पूरे 8 सेम की मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो अभी भी 15 से 20 दिन है, आप कोशिश करिए कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाए, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे SC ST OBC EWS, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज़ अपने फ़ोटो लेके जाने हैं, ठीक है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको फुलफ़िल करना होगा। अगर आप एट प्रेजेंट में कहीं वर्किंग हैं तो आपको उसका नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और इसी के साथ आपको जो भी आपका ID प्रूफ है वो लेके जाना होगा। कोशिश करिए कि आधार कार्ड लेके जाएं, ओरिजिनल लेके जाएं और कॉपी पे लेके जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे बता दिए हैं, 10th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, आपके ग्रेजुएशन की पूरी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, आपका ID कार्ड, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान से लेके जाना होगा। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होता आती है पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भी आपको घर से भर के अच्छे से लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि ये वाला जो होता है ये नंबर जैसे यहाँ पे आपको दिया गया 1st, 2nd, 3rd, 4th। अब फर्स्ट पर जैसे आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाला, सेकंड पे आपने एक्साइज डाला, तो जो आपको कोड है वो यहाँ पर लिखना होगा और वो लोग वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरना है, तो वो कोड आप बताते जाएंगे और बाद में वो आपको एक बार वो दिखा देंगे कि वो जो कोड आपने बताया है उन्होंने उस हिसाब से वो कोड फिल करा है। जैसे
फर्स्ट पे मैंने डाला B19, फिर B20, फिर B22, तो उस हिसाब से वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो डालते जाएंगे और वो आपको एक बार फाइनल दिखा देंगे। यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर करना रहेगा, नाम डालना होगा और रोल नंबर डालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पोस्ट प्रेफरेंस फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको वो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी शीट बना के देंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई और इसी के साथ जो ये कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म है ये भी आपको लेके जाना होगा। खैर इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन अभी एडमिट कार्ड के साथ अटैच करा हुआ था तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ये भी आपको लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। कोशिश करिए कि आपको अगर नहीं मिला है तो आपके स्कूल से कॉन्टैक्ट करिए, वो वहाँ से आपको मिल सकता है। उसी के साथ ग्रेजुएशन की पूरी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर आप किसी रिजर्वेशन वाली कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और उसी के साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना होगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको लेके जाना है, टू बी पेस्टेड, हाँ ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।